हाँ तो ये भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। अभी ना बात करने वाले हैं एक ना मूवी के बारे में जिसका नाम है डर, जिसके अंदर हमको SRK, जूही चावला और अपने जो सन्नी पाजी है वो दिखे थे। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो सन्नी पाजी और SRK के बीच में जो एक अनबन थी या फिर एक जो खटास थी मन में, वो कहीं ना कहीं पैदा हो गई थी इसके चलते। कुछ लोग इसके बारे में ये भी बताते हैं कि वो खटास इसलिए पैदा हुई क्योंकि जो मेन लीड में थे वो मतलब एक एज ए हीरो वो सन्नी पाजी थे, लेकिन एज ए नेगेटिव करेक्टर थे SRK। और SRK का जो नेगेटिव करेक्टर है वो उसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस के द्वारा, या फिर जो लोग मूवी देखने गए थे या फिर जो मूवी लवर थे उनको ये जो करेक्टर है वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि जो अपना मान लो जैसे बॉबी देओल सर अभी एनिमल में करेक्टर खा गए, एनिमल का जो रणवीर कपूर है उसका, वैसा ही कुछ हुआ था इसके साथ भी। अभी एक ना पॉइंट है यहाँ पे, एक स्टोरी है जिसके बारे में अभी अभी पता लगा है, जो कि अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया है उनके जो मूवी के राइटर है हनी हिरानी करके, मे बी उनका नाम है, तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया। इसके अंदर ना एक डायलॉग है, जब हम अक्सर मिमिक्री करते हुए सुनते हैं SRK की, तो मोस्टली क्या लोग किरण ऐसे करके एक डायलॉग बोलते हैं, तो आखिर में क्या था वो, क्या SRK इसमें हकले थे या फिर SRK को क्या था? तो उन्होंने फिर उस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि आखिर ये क्या था और ऐसे ऐसे क्यों हुआ और इसके पीछे क्या क्या दिमाग लगाया गया। उन्होंने बोला कि इसकी ना एक अलग ही स्टोरी है, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और एक तरीके से आप बोल सकते हो उन्होंने दिमाग लगाया है। उनकी जो माँ है, उनकी जो डेथ हो गई है या फिर जैसे भी है, उनको लगता है कि इसके पीछे उनकी बाप का हाथ है, और या फिर उनको एक जो फैमिली प्रॉब्लम है उनकी, उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम है फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ कांड हो रखा है जिसके चलते वो पहले ही एक तरीके से आप बोल सकते हो वो बंदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो थोड़ा सा हताश है मन से। उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में एक ही लड़की है जिसको वो दिलो जान से चाहता है, जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और जो कि एक तरह से उसकी वही दुनिया है जिसका नाम किरण है। अभी उन्होंने बोला कि वो एक ऐसा एक्साइटमेंट वाला पल है जब वो उस लड़की के सामने जाता है, वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। मोस्टली क्या, जब वो उसका नाम ही बोल पाता है हिम्मत करके, और उसमें भी वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो हकलाना स्टार्ट कर देता है। तो जो किरण वाला जो डायलॉग था वो यहीं से शुरू हुआ था, और देखा जाए तो ये डायलॉग कितना दमदार था बस पूछो मत। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कभी कभी ऑटोमेटिकली क्रिएट की जाती है, लेकिन वो फिर कल्ट क्लासिक बन जाती है या फिर उनको एक तरीके से अब यादगार के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर बताया भी जाता है सन्नी पाजी पे थोड़ा भारी पड़े थे SRK, तो वो एक अलग पॉइंट है। अभी तो सब घुल मिल गए, गदर 2 की जो सक्सेस पार्टी थी वहाँ पर सभी को देखा गया था एक साथ, सलमान खान, SRK, आमिर खान, बहुत सारे लोग थे वहीं पर। उन्होंने आमिर खान ने लाहौर 1947 सन्नी पाजी को ऑफर की थी, फिर वहीं से कई सारा रूमर निकले थे बहुत सारे कि सन्नी पाजी इस मूवी में काम करने वाले। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।